हेलो क्लास टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज अबाउट कॉकरोचेस द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच इज पेरी प्लेटा अमेरिकाना दीज आर द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट यूजुअली फाउंड इन द हाउसेस आपने बहुत बार अपने घरों में किचन में वॉशरूम्स में इस इंसेक्ट को देखा है तो ये हमारे सिलेबस में है जिसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हमें पढ़नी है एनसीआर में ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स नाम से चैप्टर है वहां दिया हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं ये नया चैप्टर और जानते हैं कॉकरोच के बारे में तो फर्स्ट ऑफ तो ऑल इसका साइंटिफिक नेम है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना इसे कॉमनली अमेरिकन कॉकरोच भी बोलते हैं क्योंकि इसे अमेरिका का नेटिव माना जाता है लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अमेरिका में भी ये पहली बार अफ्रीका से पहुंचा था बेसिकली इसका जो फर्स्ट अपीयरेंस दिखाई देता है हिस्ट्री में वो अफ्रीका में है ये अफ्रीका से अमेरिका पहुंचा बाय ट्रेडिंग शिप्स पहले आप जानते हैं पहले के जमाने में इतने ज्यादा मेथड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे तो जो व्यापारी लोग थे जो ट्रेडर्स थे जो बिजनेस होता था दो देशों के बीच में दो जगहों के बीच में वो बाय शिप्स किया जाता था तो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से ट्रेडिंग शिप्स के द्वारा ही अमेरिका पहुंचे और फिर अमेरिका क्योंकि एक बहुत पावरफुल कंट्री है एक डेवलप्ड कंट्री है तो वहां से आ, विद हेल्प ऑफ शिप्स जो है ये वर्ल्ड वाइड फैल गया पूरी दुनिया में फैल गया तो ये अमेरिकन कॉकरोच के नाम से फेमस है जाना जाता है एक और बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि जो कॉकरोचेस हैं ये लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं लिविंग फॉसिल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन या जब से ये पैदा हुए ओरिजिनेट हुए और अब तक कोई खास चेंजेस ना आए हों कोई खास परिवर्तन नहीं आया है ये जैसे थे वैसे ही सरवाइव कर रहे हैं जबकि हम जानते हैं हम ऐसा पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में कि जैसे जैसे समय बढ़ता है और एनवायरमेंट चेंज होता है एनिमल्स खुद में बदलाव लाते हैं लेकिन जो कॉकरोचेज हैं इनमें हार्डली ही कोई बदलाव देखा गया है ये कई सालों से बहुत सारे वर्षों से एज इट इज सर्वाइव कर रहे हैं तो ऐसे एनिमल्स को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है ठीक है ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का मेंबर है तो इसकी जो सिस्टमिक पोजीशन है क्लासिफिकेशन इसका मैंने सामने दिया हुआ है यहाँ ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है क्लास इंसेक्टा ऑर्डर ब्लॉटेडी जीनस पेरी प्लेनेटा और स्पीशीज है अमेरिकाना कॉकरोचेस जो है वो जेनरली रहते हैं वॉर्म डार्क डैम्प प्लेसेस में है ना जहां पर अंधेरा हो जहां पर नमी हो ठीक मॉइस्चर हो वहां पर ही जेनरली पाए जाते हैं ठीक दे ऑफर एंटर्ड थ्रू ड्रेन एंड पाइप है ना मतलब किचन पाइप में और वॉशरूम के पाइप में येली सर्वाइव करते हैं वहां पाए जाते हैं ऑल दो अमेरिकन काक्रोचेस कैन बी फाउंड इन होम्स दे आर ऑल्सो कॉमन इन लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग सच एज रेस्टोर ग्रॉसरी स्टोर एंड हॉस्पिटल ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे ठीक है घर में भी पाए जाते हैं आपके स्टोर रूम्स में या ऐसी जगहों पर जहां गंदगी हो या ऐसी जगहों पर जहां खाने का सामान मिलता है ना तो ये उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं लगभग कॉकरोचस की लगभग 3500 स्पीशीज नोन हैं जिनमें से 30 स्पीशीज ऐसी हैं कॉकरोचस की जो ह्यूमंस के साथ ह्यूमन सोसाइटियों में सरवाइव करती हैं ह्यूमंस के आसपास सरवाइव करती हैं उन्हीं में से एक है ये वाली स्पीशीज दैट इज पेरी पेनेटा अमेरिकाना अगर मैं बात करूं इंडियन स्पीशीज की कि इंडिया में कॉकरोच की कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं तो उसमें नंबर वन आता है अमेरिकन कॉकरोच और नंबर टू यहां पर जो एक दूसरी स्पीशीज ज्यादातर देखी जाती है वो है ब्लाटा ओरियनटेलिस वाली जो स्पीशीज है ये भी इंडिया में दूसरे नंबर पर आती है इसका साइज अमेरिकन काक्रोच से थोड़ा कम होता है इस साइज में स्मॉल होता है इसके बारे में बस आपको ये एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो फीमेल ब्लाटा ओरियनटेलिस है उसके पास जो विंग्स हैं वो वेस्टिजियल होते हैं मतलब वो जो विंग्स हैं वो फ्लाइट में यूज नहीं किए जाते वो यूजलेस हैं वेस्टिजियल ऑर्गन जनरली उन ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है जो बॉडी स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं पर वो फिजियोलॉजी में या एनाटमी में कोई खास रोल प्ले नहीं करते उनका कोई यूज नहीं होता तो इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरह आप याद कर लेंगे दैट इज फीमेल ब्लाटा अब अगर हम अपने पर आएं, तो, अगर इसकी बात करते हैं, तो ये एक नॉकटर्नल एनिमल है जो कि ज्यादातर रात में ही निकलता है नॉक्टर्नल मीन्स रात्रिचर या निशाचर. ऐसे एनिमल्स जो रात में ही बाहर निकलते हैं आपने देखा भी होगा कॉकरोचेस अंधेरे में या अंधेरी जगहों पर ही आपको ज्यादा पाए जाएंगे जैसे ही वहां रोशनी होती है या आप लाइट ऑन कर देते हो वो भाग जाते हैं और छुप जाते हैं है ना दे हाइड इन होल्स ठीक है और रात में ये बाहर निकलते हैं ठीक है दे आर ओमनीवोर्स इन डाइट ओमनीवोर्स मीन्स ये सब कुछ खा लेते हैं कपड़ा रोटी सब्जी गत्ता एवरीथिंग ये सब कुछ खा सकते हैं इवन ये अपनी ही स्पीशीज के दूसरे डेड एनिमल्स को भी खा जाते हैं ठीक है अपनी मीन्स ये दूसरे डेड कॉकरोचेस को भी खा सकते हैं तो हम यहां बोलते हैं कि दे आर ओम निवर्स दे कैन ईट एनी वो सब कुछ खा लेते हैं सब कुछ ठीक इसके अलावा दे आर कर्सोरियल इनहैबिट कर्सोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो बहुत तेज भाग सकते हैं तो कॉकरोच जो है अगर कभी आपने देखा हो कि आपने उसे मारने की कोशिश की हो तो वो बहुत जल्दी से भाग कर छुप जाता है होल्स में या ड्रेन पाइप्स में तो ये बहुत तेज भागते हैं ये फास्ट रनर हैं, तो हम बोलेंगे दे आर कर्सोरियल इनहैबिट दे कैन ऑल्सो फ्लाई बट इट फ्लाइज वेरी रेयरली उड़ सकते हैं लेकिन कम उड़ते हैं शॉर्ट फ्लाइट ही ले पाते हैं दे आर आर सेपरेट मेल फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग पाए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ सेक्सुअल डायमोरफिजम भी पाया जाता है मेल और फीमेल इंडिविजुअल को आप उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो फीचर्स क्या हैं हम आपको आगे बताएंगे ये ओवी पेरस हैं और पेरेंटल केयर शो करते हैं मतलब जो पेरेंट कॉकरोचेस हैं वो अपने यंग मनस की देखभाल करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक जब तक वो मेचोर नहीं हो जाते खुद से सरवाइव नहीं करने लगते तब तक ये पेरेंटल केयर भी शो करते हैं